हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पीओई की जर्नी के बारे में बताने वाला हूं, विच इज अ पावर ओवर इथरनेट। अब इस जर्नी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मजीद। सो गाइस, लेट्स से मेरे पास ये एक एक्सेस पॉइंट है जो कि वाईफाई सॉफ्ट का है, राइट। और आपके पास किसी भी कंपनी का हो सकता है और मे बी आईपी फोन हो सकता है या कोई और डिवाइस हो सकता है जिसमें आपको पावर और डेटा दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में आपको दो चीज, दो केबल्स इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। वन इज फॉर पावर, वन इज फॉर डेटा। तो दो केबल आपको इसमें कनेक्ट करनी पड़ेगी। सो जब ये इश्यूज जो है बहुत ही पहले ये देख लिए गए, इसको आइडेंटिफाई किया गया बाय द नेटवर्क इंजीनियर, दे हैव कम अप विद सम आइडिया व्हाई डोंट वी प्रोवाइड, हम क्यों नहीं एक ही केबल के जरिए डेटा एंड जो पावर है उसको प्रोवाइड करें। सो यहां से 2003 से जो है ये आपका एक पीओई का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया गया, जिसमें आपका पावर और डेटा जो है एक सिंगल केबल से ही ट्रांसमिट किए जाते हैं डिवाइस तक। अब इसके लिए जो है आपको दो ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, या तो फिर आपके पास में इस तरह का नेटवर्क अडेप्टर हो जहां पर इस तरह के दो पोर्ट होते हैं। एक आपका लैन पोर्ट होता है जो आप अपने नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करेंगे, एक आपका पीओई पोर्ट होता है जिससे आप अपने एंड डिवाइस जिसको आपको पावर ऑन करना है वो उसकी केबल आप यहां पे कनेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आपको ये जो है सॉकेट के अंदर लगा, पावर सॉकेट के अंदर लगा के इसको चालू कर देना है। जैसे ही आप चालू करेंगे आपका जो डेटा प्लस जो आपकी पावर है वो एक सिंगल केबल से आपके एंड डिवाइस तक पहुंच जाएगी और आपका डिवाइस पावर ऑन भी हो जाएगा और एट द सेम टाइम उसको डेटा भी मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है आपका स्विच। आप पीओई स्विच भी ले सकते हैं। पीओई स्विच आपको कौन सा लेना है और कैसे लेना है तो उसके लिए जो है आपको मुझे लेके चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं से जो है आप पूरा डिटेल में समझ सकेंगे। सो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पावर ओवर इथरनेट की, पीओई की। सो बेसिकली पीओई जो है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइम टू टाइम जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे वैसे अपग्रेड हुआ है। तो मैं पूरी जर्नी इसकी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं पीओई की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पीओई की। तो पीओई की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 2003 के अंदर। तो 2003 में पीओई की स्टार्ट हुई थी, जो IEEE का जो स्टैंडर्ड डिजाइन किया गया था, दैट इज 20802.3AF। ये जो है स्टैंडर्ड बनाया गया था जिसके अंदर हमें मिल रहे थे 15.4 वाट जो है हमें यहाँ पे मिल रहे थे, यानी कि हम जो है आपके आईपी फोन को जो है पावर ऑन कर सकते थे, उससे हमारे जो एक्सेस पॉइंट्स थे उसको जो है पावर ऑन किया जा सकता है। तो यहां से हमारी जो पीओई की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। देन उसके बाद जब जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जो हमारे डिवाइसेस एनहेंस हुए तो उनको और ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो जब और ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट हुई तो फिर एक और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिजाइन किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पीओई प्लस। अब ये जो पीओई प्लस है इसके अंदर जो स्टैंडर्ड आपका इंप्लीमेंट करा गया था वो IEEE जो स्टैंडर्ड है, दैट इज 802.3AT दिया गया उसको स्टैंडर्ड को नाम। और ये जो है आपका 2099 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था जिसमें हमें मिलने वाली थी 30 वाट की पावर। तो 30 वाट जो है वो आपका स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। आप इसके अंदर जो है आईपी सीसीटीवी कैमरास को जो है चालू कर सकते थे। फिर आपके जो है आईपी फोन्स की आईपी फोन्स को हम पावर ऑन कर सकते थे, जो आपके आईपी पे चलते हैं अलार्म सिस्टम तो उनको जो है हम यहाँ पे चालू कर सकते थे। तो ये जो है आपका एक और जर्नी स्टार्ट हुई, एक नया स्टेप आया जो कि 2009 से लेके फिर आगे काफ़ी समय तक जो है कोई भी और रिक्वायरमेंट अगर देखी जाए तो 2019 and 2010 के बाद जो है एक हमने ऐसी जर्नी देखी है टेक्नोलॉजी की जो कि बहुत ही ड्रास्टिकल चेंजेस आए। तो बहुत ही जल्द जो है यहाँ पर एक और यहाँ पे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ गई क्योंकि पावर जो है और हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर एक और स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया विच इज टू POE++। अब पीओई प्लस के अंदर जो है आपको जो है स्टार्टिंग में आपको मिला है यहाँ पे 802.3BT। ये एक नया स्टैंडर्ड बनाया गया, बट इस स्टैंडर्ड के अंदर आपके पास में दो टाइप आए थे। पहला आपका जो टाइप वन था इसके अंदर, तो टाइप वन जो था वो आपका था 60 वाट के लिए जो कि लॉन्च किया गया था 2011 के अंदर। तो 2011 के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया जिसके अंदर जो है हम आईपी फोन्स, आपके लैपटॉप्स जो है प्लस जो है आपके सीसीटीवी कैमरा अलार्म, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, लैपटॉप्स को भी जो है हम यहाँ पे
पावर ऑन किया जा सकता है इसके जरिए। तो इसमें जो है और ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट हुई तो यहाँ पे टाइप टू लॉन्च किया गया, जिसके अंदर जो है आपके और पावर रिक्वायरमेंट हो गई थी, जैसे हमारे जो लैपटॉप्स वगैरह उनकी पावर जो है बढ़ गई थी, तो यहाँ पे और पावर की रिक्वायरमेंट थी, तो जो आपका टाइप टू लॉन्च किया गया जो आपको केटर करता है 90-95 वाट पर पोर्ट जो है आपको अवेलेबल हो जाता है, जो कि 2018 के अंदर जो है लॉन्च किया गया। तो यहां पर जो है आप इसके अंदर जो है आईपी कैमरास को जो है कर सकते हैं पावर ऑन, आप इसके जरिए जो है लैपटॉप को जो है पावर ऑन कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आप आईपी फोन्स को जो है यहाँ पे पावर ऑन कर सकते हैं, अलार्म सिस्टम को जो है यहाँ पे पावर ऑन किया जा सकता है। तो ये कुछ अब तक की जर्नी रही है, यानी कि जो पीओई है वो आपका स्टार्ट हुआ 2003 के अंदर विद जस्ट सिंपल सी वाट जो हमें दी गई, 15.4 वाट पर पोर्ट दी गई, और उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी तो 2019 के अंदर हमें 30 वाट की रिक्वायरमेंट दी, एक नया स्टैंडर्ड देखने को मिला, और उसके बाद में 2011 के अंदर आपका एक और पीओई प्लस प्लस आया जिसमें आपको जो है 60 वाट देखने को मिला, फिर अगेन और रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई, तो 2018 के अंदर जो है हमें यहाँ पे 90-95 वाट जो है पर पोर्ट जो है हमें एक ऐसी पावर मिलेगी जिसके जरिए हम अपने लैपटॉप जैसे डिवाइसेस को भी पावर ऑन कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको ये जो पूरा पीओई की जो जर्नी है ये आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। आई थिंक ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए जो है मैंने आपके लिए पूरा डिजाइन करके दिया कि आपको बताऊं कि पीओई क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, तो सो दैट कि ये जो पावर ओवर ईथरनेट है ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज अगर आप लोग जो है कहीं पे बड़ा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेडी कर रहे हैं तो वहां पर अगर आपको पीओई की रिक्वायरमेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पीओई जो है कहां पर आपको इस्तेमाल करना है। तो ये जो है आपके नॉलेज के लिए, आई होप कि आपको जो है पूरा वीडियो पसंद आया होगा, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको पसंद आया होगा। सो अगर जो है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अमेजिंग वीडियो आप लोगों को तक पहुंचाया जा सके। सो फिर मिलता हूं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।